नमस्कार, मैं सीमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। मेहनतकश वर्ग की पार्टी सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट के 76वें स्थापना दिवस के अवसर पर ग्वालियर इकाई के द्वारा पार्टी के समर्थक व आम जनता ने सभा में भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता SUCI पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड प्रदीप आरबी के द्वारा अपने वक्तव्य में बताया गया कि महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पर अपराध और भ्रष्टाचार कभी खत्म न होने वाली समस्याएं अब प्रतीत होने लगी हैं, लेकिन यह सभी समस्याएं इस पूंजीवादी व्यवस्था से ही जुड़ी हुई हैं। जनता की समस्याएं भी बढ़ रही हैं, टैक्स बढ़ाकर उनकी खून की अंतिम बूंद तक नहीं छोड़ी जा रही है। विशाल दीर्घकालीन जन आंदोलन के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन ही अब एकमात्र रास्ता बचा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही ग्वालियर पार्टी सचिव कॉमरेड रचना अग्रवाल के द्वारा बताया गया कि मध्य प्रदेश की सरकार निजीकरण उदारीकरण की तमाम नीतियों को बढ़ चढ़कर लागू कर रही है। बिजली के क्षेत्र में निजीकरण किया जा रहा है। ग्वालियर को स्मार्ट बनाने के नाम पर बहुत सारे इलाकों में तोड़फोड़ भी की गई है और रेलवे स्टेशन को स्मार्ट बनाने के नाम पर उसका भी प्राइवेटाइजेशन करने की तैयारी हो रही है। यह जो 1000 बिस्तर का अस्पताल खोला गया है उसकी दुर्दशा भी अखबारों के माध्यम से आज सबके सामने है। कार्यक्रम का संचालन ग्वालियर जिला कमेटी के वरिष्ठ साथी कॉमरेड रूपेश जैन के द्वारा किया गया। इस बात को लेकर दुनिया में संघर्ष हुए। मार्क्स ने एक सिद्धांत दिया जिसको हम मार्क्सवाद कहते हैं, और ये जो अमीर हैं वो लगातार अमीर क्यों होते जा रहे हैं, गरीब लगातार गरीब क्यों होते जा रहे हैं। इसी बात को लेकर जो मार्क्सवाद बना, और वो उस मार्क्सवाद में आने वाले समय में वो मार्क्सवाद दुनिया में कैसे कुछ लोग अमीर होते चले जाए, कैसे गरीब होते चले जाए, क्या कभी ये अंत होगा, इस बात का कोई समाधान करके दिखाया तो मार्क्सवाद ने दिखाया। और दुनिया में पहली बार इसको लेनिन ने करके भी दिखाया, और हमारे देश में मार्क्सवाद को, लेनिनवाद को कॉमरेड शिवदास घोष ने हमारे देश में भारत की जमीन पर, ये कैसे हो सकता है कि अमीर और गरीब की जो खाई है वो कैसे खत्म होगी, कैसे शोषण खत्म होगा, इन सब बातों का जिक्र, इन सब बातों को। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Instagram और Facebook को भी आप फॉलो कर सकते हैं।